नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज की तमाम बड़ी टेक न्यूज का। जी हाँ दोस्तों, आज की 10 बड़ी खबरें आज आपको बताने वाला हूँ। टेक न्यूज क्या क्या है वो खास टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर की, जो कि काफी अच्छी खबर निकल के आ रही है वीवो लवर्स के लिए। यहाँ पे दोस्तों बता दें, वीवो का क्रिसमस कार्निवल चल रहा है, जिसमें वीवो का Z1 प्रो से लेके वीवो का Z1 एक्स जैसे तमाम सारे फोन लगभग 5,000 से लेके 15,000 के हैवी डिस्काउंट के साथ यहाँ पे मिल रहा है। तो जाए और शॉपिंग करें वीवो का स्पेशल क्रिसमस कार्निवल ऑफर के अंदर, और आपका भी कोई मन चाहा फोन जरूर आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। यहाँ पे अगली बड़ी खबर की दोस्तों बात करें, तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A21 का केस यहाँ पे लीक हुआ है। इससे देखने से समझ में आ रहा है कि इस फोन के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा यहाँ पे पीछे में होने वाला है, और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सिर्फ केस आपको रिवील हुआ है, फोन के बारे में अभी ज्यादा डिटेल यहाँ पे निकल के नहीं आई है। यहाँ पे अगली और एक सबसे अच्छी खबर की बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको ब्लूटूथ वायरलेस आपको ईयरबड्स लेने की शौक है, जैसे कि अभी Xiaomi ने अपने लॉन्च किए हैं जो थोड़े महंगे हैं, कॉस्टली है, उम्मीद है कि बहुत से लोग शायद अफोर्ड नहीं कर पाए, यहाँ तक कि कम बजट के अंदर बढ़िया कंपनी आपको अभी अफोर्ड करने लायक कोई लॉन्च नहीं कर रही। तो यहाँ पे पीट्रॉन ने एक काफी बढ़िया बास बड्स लाइट लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही दिखने में लाइट वेट लग रहा है और बहुत ही कूल लग रहा है, आपको रियलमी के बड्स एयर जैसे दिख रहे हैं। कीमत जान ले, इस ईयरबड्स की कीमत मात्र 899 रुपया है, जिसमें आपको 5 आवर का बैटरी बैकअप देने का कंपनी वादा करती है एक सिंगल चार्ज के ऊपर। तो काफी बढ़िया, अगर आपका भी शौक है और आपका भी मन है कि एक बढ़िया कंपनी का आपको ईयरबड्स कम पैसे में, तो मेरे हिसाब से पीट्रॉन काफी बढ़िया रहेगा, और लुक के हिसाब से भी और बाकी फीचर्स भी इसके काफी बढ़िया है, तो जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगली बड़ी यहाँ पे खबर की दोस्तों बात करें, तो सैमसंग गैलेक्सी A01 यहाँ पे आज ऑफिशियली हो चुका है। यहाँ पे बता दें, फोन के अंदर आपको ड्यूअल रियर कैमरा और 3000 mAh की मैसिव बड़ी बैटरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सैमसंग का ये जो फोन है, ये आपको बजट में ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है A01, तो अगर आपका मन था लेने का तो आप जाके ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगली बड़ी खबर की बात करते हैं दोस्तों, सैमसंग का गैलेक्सी A51 जो कि आपको इंडिया में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से यहाँ पे तैयार हो चुका है, और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। फोन में वैसे बहुत सारी हाईलाइट्स है, इस फोन के अंदर आपको पीछे में काफी स्क्वायर के अंदर 4 कैमरे देखने को मिलेंगे। शायद आने वाला जो सैमसंग का जो Note 10 है या फिर सैमसंग का S10 है, वो भी आपको लुक के मामले में ऐसा ही होगा। यहाँ पे बता दें, इस फोन के अंदर आपको दोस्तों Android 10 देखने को मिलेगा, जो कि सैमसंग की लेटेस्ट UI 1 UI 2.0 के ऊपर होगा। इस फोन में 4000 mAh की बैटरी और 15 W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। फोन सबसे अच्छी खासियत लुक के मामले में है, आगे से आपको कोई नॉच नहीं देखे, एक पंच होल दिया जा रहा है सेंटर के अंदर, और पीछे में स्क्वायर के बॉक्स के अंदर 4 कैमरे यहाँ पे लोकेटेड होंगे। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, जेब्रा इलाइट्स नाम का 75T ट्रू वायरलेस ईयरबड यहाँ पे इंडिया में लॉन्च हो चुका है। कीमत शायद आप जान के थोड़ा हैरान हो जाएंगे, 16,000 में लॉन्च हुआ है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है बताया जाता है कि काफी कमाल की है। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको इनबिल्ड एलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट है, यानी कि अगर आप इस फोन को किसी से भी कनेक्ट करते हैं एंड्रॉइड से, या फिर आप इसे अमेजोन के कोई प्रोडक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एप्पल iOS से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट इनबिल्ड इसके अंदर आपको मिलेगा, और काफी बताया जा रहा है कि ट्रू वायरलेस है और काफी फाइन आवाज के साथ यहाँ पे लॉन्च हुआ है 16,000, लेकिन कीमत देख के तो लगता है यार ये फाइन बहुत ज्यादा ही है। अगली खबर की बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों OnePlus को लेके आ रही है, यहाँ पे OnePlus Concept One स्मार्टफोन जो आपको है वो CES 2020 में यहाँ पे लॉन्च हो सकता है। यहाँ पे जो फोन है ये आपको फोल्डेबल फोन होने वाला है, OnePlus की तरफ से पहला होगा फोल्डेबल फोन, जो कि सैमसंग ने ये थोड़ा दिन पहले ही कर चुका है ऑलरेडी। अगली बड़ी खबर की दोस्तों बात करें, तो डाइवा ने पहला अपना लॉन्च किया है कम बजट के अंदर वॉशिंग मशीन। फोन की वॉशिंग मशीन की खासियत यह है कि इसके अंदर आपको 5 साल की वॉश वारंटी मिलेगी, यानी कि मोटर अगर आपकी जल जाती है तो 5 साल तक आपको वारंटी मिलेगी, और 2 साल की आपको कम्प्रेहेंसिव वारंटी मिलने वाली है। ओवरऑल जो आपके वॉशिंग मशीन में कोई भी दिक्कत आई तो 2 साल तक आप उसको लेके रिपेयर वारंटी मिल जाएगी। इसकी वॉशिंग मशीन की कीमत की बात करें तो यहाँ पे लगभग 8,990 रुपया इसकी यहाँ पे इंडिया में कीमत रखी गई है। अगली बड़ी खबर की दोस्तों बात करें, तो यहाँ पे
ईवीएम ने लॉन्च किया है एन सीरीज का पावर बैंक जो कि 1499 रुपया से यहाँ पे शुरू होता है। यहाँ पे दोस्तों बता दें इसके अंदर आपको 10,000 मिली एम्पीयर की बैटरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है चार्ज करने के लिए। अगली बड़ी खबर की दोस्तों बात करें तो दोस्तों एम्ब्रेन ने यहाँ पे इंडिया के अंदर लॉन्च किया है नेक्स्ट का वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन। यहाँ पे 699 रुपया इसकी जो प्राइस इंडिया के अंदर रखी है और ये अमेजोन या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइनल और आखिरी खबर की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे वीवो का X30 प्रो 5G सपोर्टेड टीना के ऊपर यहाँ पे सरफेस किया गया है। जो टीना लीक वेबसाइट है वहां पे इसको सरफेस किया गया है जिसमें पता चला है कि इसमें आपको 12GB की इसमें आपको रैम होने वाली है और 512GB का स्टोरेज यहाँ पे होने वाला है। जाते जाते आखिरी खबर और बड़ी खबर आपको यहाँ पे बता के चल जाए दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 यहाँ पे जो लाइट है उसकी जहाँ पे फ्लैश रेंडर यहाँ पे लीक हो चुकी है। देखने से आपको इसमें लग रहा है कि इसमें पीछे में काफी कमाल का लुक तो नहीं कहेंगे, वैसे अगर आपको लग जाए लेकिन स्क्वायर के अंदर ट्रिपल नहीं चौपल आपको यहाँ पे कैमरे मिलेंगे यानी क्वाड कैमरे के आपको मिलेगा फोन के अंदर। और आगे में सेम A51 वाला लुक यहाँ पे देखने को मिलेगा, बीच में सेंटर में यहाँ पे छोटा सा पंच होल। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की तमाम बड़ी खबरें अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और ऐसे अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो में है तो जैसे लाइक करें तो अच्छे से नहीं। जय हिंद जय भारत।